दो महीने के बाद मैं फाइनली अपना एक लॉन्ग कंटेंट शूट कर रहा हूँ। दो महीने से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक भी व्लॉग नहीं डाला था। आज के ये वाला जो व्लॉग है, इस व्लॉग पे मैं शेयर करूँगा मेरा ये जो दो महीने का ट्रैवल एक्सपीरियंसेस था। उसके साथ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना क्यों बंद कर दिया, अभी कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, आगे जाके मेरे को ट्रैवल करना है या नहीं करना है, मेरे को अगर व्लॉगिंग करना है तो किस चीज़ के बारे में करना है, ये सारा सवाल काफ़ी टाइम से आ रहा था। लेकिन वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं था मैं इस सवाल के जवाब को अपने ब्लॉग पे शूट करूं और अपना जो यूट्यूब पे कम्युनिटी है उनके साथ शेयर करूं। आज फाइनली मैं कैसे जगह पे आया हूं जहां से ये सारा चीज़ का मुझे लगता है कि रिफ्लेक्शन मेरे अंदर से निकल के आ रहा है, तो इसके वजह से मैं इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूं। ये मेरे पीछे जो स्पेस है, ये मार्ड हाउस पे मैंने कल रात को रुका हुआ था और ये काफ़ी एक नेचुरल स्पेस है। ये वाला जो जगह है ये नेचुरली काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरीज है। मेरा जहाँ पे घर है उस जगह NH से एकदम ही नज़दीक पे है, उसके वजह से क्या होता है मैं जब भी शूट करने का कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ पे विंड नॉइस आ रहा होगा, मॉनसूनस के वजह से काफ़ी हवा चल रहा है, काफ़ी बार बारिश भी हो रहा है बीच बीच में, सो विंड नॉइस तो थोड़ा सा आएगा। बट ये जो जगह है ये काफ़ी नेचुरल जगह है जहाँ पे मैं अपना स्टेट ऑफ माइंड या फिर स्लो होके मैं अपना व्लॉग को शूट कर सकता हूँ। इस व्लॉग पे कंटिन्यू करते हैं मेरा दो महीने का ट्रैवल एक्सपीरियंस, मैंने कहाँ पे था, अभी क्या कर रहा हूँ, आगे जाके मेरे को क्या करना है या फिर ट्रैवल किस तरीके से करना है, ट्रैवल करना है कि नहीं करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे को व्लॉगिंग करना है या नहीं करना है, सारा चीज़ के बारे में शेयर करते हैं इस व्लॉग में। आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, पिछले दो महीने पे मैंने एक ही लॉन्ग कंटेंट डाला है और वो जो कंटेंट था उस वीडियो पे मैंने शेयर किया था। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, बैकपैकिंग, हिचहाइकिंग एंड ऑफ ग्रिड काइंड ऑफ ट्रैवल, जहाँ पे आप एक नोमेड जैसा घूम रहे हो, जहाँ पे आपको रात का कोई ठिकाना नहीं है, उस हिसाब से आपके लिए सबसे बेटर कौन सा व्लॉगिंग कैमरा अच्छा है या फिर आप किसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। मेरे पास जो कैमराज था मैंने सारा चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स बताया था और उसके साथ मैंने उस ब्लॉग को बनाया था। सो रिसेंटली उसके बाद दो महीने से मैंने अपना व्लॉगिंग को कंटिन्यू नहीं किया हूं। दो महीने से मैं क्यों अपना YouTube ब्लॉग बना नहीं रहा हूं, उसके पीछे क्या रीजन है अभी बता देता हूं। मैंने जो लास्ट अपना सीरीज शुरू किया था उस सीरीज पे मैं बता रहा था मैं जा रहा हूं इंडिया से बांग्लादेश, मैं जा रहा हूं इंडिया से बांग्लादेश। बांग्लादेश का वीजा अप्लाई हुआ, वीजा मिलने के लिए 15 दिन का एक टाइमिंग था। उस दौरान मैंने अपने दोस्त के घर और नॉर्थ बंगाल के तरफ वहां का जो रूरल लाइफ है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए चला गया था। काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिला, जानने को मिला और नया कल्चर के साथ मैं कनेक्टेड हुआ। फिर उसके बाद जब मैं अपना वीज़ा लेने के लिए गया कोलकाता, फिर कोलकाता से जैसे वीज़ा रिसीव हुआ, कोलकाता में इतना ज़्यादा गर्मी था और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था घूम घूम के पिछले 15 दिनों से। मुझे लगा कि भाई काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, अभी थोड़ा सा घर जाते हैं, घर जाके एक ब्रेक लेंगे एक हफ्ते का, फिर बांग्लादेश का जो ट्रैवल जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसे थॉट के साथ मैं जब घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मुझे लगा कि नहीं भाई मैं 15 दिन काफ़ी घूम चुका हूं और अभी एक थोड़ा लंबा ब्रेक लेते हैं। एक हफ्ते से दो हफ्ता हो गया, दो हफ्ते से तीन हफ्ता, चार हफ्ता, ऐसे एक महीना डेढ़ महीना हो गया। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया था बांग्लादेश का जो ट्रैवल जर्नी था उसको, लेकिन इस बार हिचहाइकिंग करके नहीं, लोकल ट्रांसपोर्ट पे नहीं, इस बार मैंने सोचा कि साइकिल लेके जाते हैं। मेरा घर से मैंने साइकिल लेके बांग्लादेश का ढाका कैपिटल सिटी तक गया था, फिर बांग्लादेश से मैं इंडिया वापस आ गया। इंडिया वापस आने के बाद मेरे को 3 से 4 दिन का एक घर पर ब्रेक मिला था, फिर उस ब्रेक के बाद मैं चला गया कश्मीर अपने घर वालों के साथ घूमने के लिए। फिर घूमने के बाद जब मैं घर पर वापस आया मैं समझ नहीं पा रहा था इतना ट्रैवल करने के बाद मुझे आगे का क्या करना है। और जब मैं बांग्लादेश जा रहा था आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि ड्यूरिंग द ट्रैवल जर्नी मैंने अपना वीडियोस क्यों नहीं शूट किया और क्यों नहीं एडिट किया। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग बनाए हैं और वो सारा व्लॉग को डंप करते करते मेरे को जो बांग्लादेश और कश्मीर के बीच में छोटा सा गैप मिला था 3 दिनों का, उस दौरान मैंने उसको अपने लैपटॉप पे डाल दिया था। बट दिक्कत यह था जब मैं बांग्लादेश अपने साइकिल पे घूम रहा था उस दौरान मैंने अपना लैपटॉप कैरी नहीं किया, और फ़ोन पे जब आप वीडियो शूट करते हो और वीडियोस को मतलब एडिट करने का कोशिश करते हो, मुझे नहीं लगता कि फ़ोन पे उस तरीके का आपको फील मिलेगा। मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर के साथ ट्राई भी किया, VN ट्राई किया, InShot ट्राई किया, बट मेरे को जो फीलिंग आता है लैपटॉप पे एडिट करने का उस फीलिंग के साथ मैंने फ़ोन पे नहीं कर पाया, और उतना छोटा सा स्क्रीन पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो रहा था आँखों पे। तो मैंने सोचा कि फाइनली इसको अभी बंद करते हैं, घर जाके एक अच्छा खासा वीडियोज़ बनाएंगे। घर पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, मेरा एक मेमोरी कार्ड का जो डेटा था ड्यूरिंग द ट्रैवल जर्नी वो करप्ट हो गया। फिर उसको रिकवर करते करते फिर ऐसे 2 दिन के आसपास लग गया। तो ऐसे करते करते मेरा जो कश्मीर का टाइमिंग था वो भी एकदम नज़दीक आ गया था। तो मैंने फिर फाइनली सोचा कि डेटा को इधर ही डंप करके रखते हैं और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपना कश्मीर वाला टूर। फिर जैसे ही मैंने कश्मीर गया तो इट वॉज़ ए लाइक ट्रैवल एजेंट के साथ घूम रहा था और मेरा फैमिली के साथ घूम रहा था। तो उसके वजह से क्या होता था, जब सुबह सुबह कहीं पर जैसे नॉर्मली अगर मैं सोलो बैकपैकिंग करूँ
तो मेरा कोई फिक्स नहीं होता है कि कितने दिन के लिए करूँ, आज रात को यहाँ पे गुजारना है या फिर मेरे को जाना ही है इस जगह पे। तो ऐसा कुछ पहले से बुकिंग नहीं होता है, रात का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी मूव कर सकते हो, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। बट जब आपका दिन फिक्स हो, शेड्यूल फिक्स हो, कहाँ जाना है वो फिक्स हो, तब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। फिर कश्मीर का जो 15 दिन का टूर था, ऐसा होता था सुबह हम लोग आसपास का जगह घूम करके आए, शाम को ट्रेन है या फिर शाम को बस है, बस लेके आप नेक्स्ट जगह के लिए निकल जाओ। तो ऐसा कुछ हो रहा था बांग्लादेश और कश्मीर का टूर के बाद, मैं इतना ज़्यादा चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाया और मैं सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक लेने के बाद कंटिन्यू करेंगे अपना व्लॉगिंग। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ 2 मंथ्स ट्रैवल जर्नी। मैंने साइकिल लेके बांग्लादेश गया था, फिर घर आया, घर आके थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर ब्रेक लेने के बाद मैं कश्मीर गया, एंड कश्मीर से आने के बाद थोड़ा सा फिर ब्रेक लिया घर पे आने के बाद, और फिर मैं फाइनली अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे मतलब डेली का एक व्लॉग बनाना है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ रैट रेस। मैं मतलब उस स्टेट के साथ हुई नहीं कि मेरे को कैमरे के साथ बात करना है, मैं बस खुद के साथ रहना चाहता हूँ थोड़े दिनों के लिए, या फिर थोड़े समय के लिए, या फिर थोड़े महीनों के लिए। तो वो जो एक्सपीरियंसेस है मेरे को, खुद को समझने का, खुद का मेंटल हेल्थ को समझने का, खुद का इमोशनल हेल्थ को समझने का, और खुद के साथ बेटर टाइम स्पेंड करने का, तो उस पे भी अगर मैं यूट्यूब ब्लॉगिंग और मतलब कंटिन्यूसली एडिटिंग प्लानिंग सारा चीज़ ब्लॉग के वजह से कर रहा हूँ, तो फिर अपना जो ब्रेक होता है ना कि सारा चीज़ को वॉइस आउट करने का या फिर एक्सपीरियंस को फील करने का, स्लो होने का एक्सपीरियंस को, तो वो चीज़ को शायद मतलब ब्लॉग पे नहीं लाया जा सकता है। तो इसके वजह से मैं फाइनली मतलब ब्लॉग ही कर दिया था वीडियोस बनाना। फिर पिछले 7 दिनों से मैं शूट कर रहा था, कोशिश कर रहा था बीच बीच में कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्या हुआ है सारा चीज़ के बारे में शेयर करूँगा, बट मेरा जहाँ पे घर है बिल्कुल ही घर के बगल में एक NH रास्ता जाता है, उसके वजह से वहाँ पे भी ब्लॉग शूट नहीं हो पाए। तो मैं फाइनली एक जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं जाके कुछ वीडियोस बना सकता हूँ और थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्टेड भी रहूँ। तो फिर मैंने इस जगह पे आया हूँ और यहाँ पे आके फाइनली अपना जो भी अंदर पे चल रहा था या फिर जो कुछ भी आई वॉन्ट टू शेयर एज ए रिफ्लेक्शन, मतलब मेरा एक्सपीरियंसेस को, उसको मैंने अभी बता चुका हूँ। 2 महीने पे क्या किया, क्यों ब्लॉग नहीं शूट कर पाया, दिस इज़ काइंड ऑफ एक्सक्यूज़। मुझे पता है कि ये एक्सक्यूज़ हो सकता है काफ़ी लोगों को, मतलब मैं जज नहीं कर रहा हूँ कि किसी को लगेगा कि नहीं लगेगा, बट ये एक एक्सक्यूज़ हो सकता है मेरे खुद के लिए भी, एक प्रस्पेक्टिव इसका भी हो सकता है कि मेरे को बनाना नहीं था व्लॉग्स, या फिर एडिट नहीं करना था, मुझे मेहनत नहीं करना था, उसके वजह से मैंने व्लॉग बनाना बंद कर दिया है, या फिर यूट्यूब पे शूट करना, कंटेंट बनाना बंद कर दिया। दैट माइट बी अ प्रस्पेक्टिव, बट मुझे स्लो होना था, ब्रेक लेना था। सो दिस वॉज द मेन रीज़न मैंने कुछ दिनों के लिए बंद किया था। अभी कोशिश करते हैं धीरे 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 उस रिदम पे आने के लिए, कंटेंट शूट करने का, एडिट करने का, जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहा है सोशल मीडिया पे, मतलब दिखता है कि खाली अच्छी चीज़, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं सामने वाले का जब वीडियोस दिखता है, चाहे वो रील हो, चाहे वो यूट्यूब लाइव हो, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, फेसबुक पे कंटेंट हो, या फिर यूट्यूब पे लंबा कंटेंट हो, मैं दूसरे से बेटर कैसे दिखूं, या फिर दूसरे का लाइफ मेरे से खुश है, मतलब लोग दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे खाली पॉजिटिव बात और हैप्पी चीज़ें, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ये सारा चीज़ कोई दिखाना नहीं चाहते। सो मुझे लगता है कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मैं अगर कुछ कंटेंट शूट कर रहा हूँ, जो कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसको अगर दिखाना है तो सच में रॉ एक्सपीरियंस को दिखाने का। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ए फील व्हाट आई एम गेटिंग, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। मैंने क्यों शूट नहीं किया, अभी बताता हूँ मैं अपना प्रेजेंट स्टेटस, मुझे क्या करना है आगे, ब्लॉग बनाना है या फिर नहीं बनाना है, आगे कुछ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये सारे चीज़ के बारे में। एक्चुअली मैंने कश्मीर पे भी काफ़ी लोगों के साथ मिला, ऐसे देखा, एनालाइज किया, बांग्लादेश पे भी काफ़ी लोगों के साथ मिला, देखा, एनालाइज किया, इंडिया भी ट्रैवल करते करते काफ़ी लोगों के साथ मिला, देखा, एनालाइज किया। ब्लॉग के बीच में एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो इंडिया का मैप है, इस मैप को आप जितना रेड डॉट देखोगे, ये सारे जगहों पे मैंने अभी तक घूमा है। मैंने जो जो जगह के बारे में दिखाया, इसको घूमने के बाद मेरे अंदर कुछ भी रिग्रेट्स नहीं है। मेरे सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस शुरू कर दिए, कुछ और कुछ कर रहे हैं, सब कोई अपने ज़िंदगी में धीरे धीरे सेटल्ड हो रहे हैं, बट मैंने अपना 25 ईयर्स के लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो इसको लेकर मेरे को कुछ रिग्रेट नहीं है। और अभी का जो मेरा सिचुएशन है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे हूँ और क्यों शूट कर रहा हूँ, ये सारे चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सो प्रेजेंटली मैं जिस जगह पे हूँ, ये जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, और एक छोटा सा गाँव पर बैठ के मैं अपना वीडियोस बना रहा हूँ नेचर के साथ, और चारों तरफ कोई भी शोर शराबा नहीं है, खाली नेचुरल साउंड आ रहा है। मैं जब अपना बांग्लादेश, कश्मीर और इंडिया का ट्रैवल किया अलग अलग जगह पे, मुझे काफ़ी कुछ एनालाइज हुआ। दैट इज़ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है खाना। काफ़ी लोग बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, मतलब काफ़ी लोग क्या, 99 या फिर 100% लोग बोलते हैं
जो भी करते हैं सब खाने के लिए करते हैं, और हम लोग अपना रोजी रोटी के लिए पूरा जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब रोजी रोटी के लिए होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं पैसा कमाऊँ, पैसा कमाने के बाद एक सिटी पे चला जाऊँ, और सिटी पे जाने के बाद मतलब मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हैं, मैं जा रहा हूँ सुपरमार्केट पे खाना लेने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे होता था, अभी धीरे धीरे इंडिया पे भी शुरू हुआ है, और मैं सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ डेली अपना बैग लेके अपने घर के लिए या फिर खुद के लिए, फिर जब मैं वापस आ रहा हूँ मेरे को सही ढंग का खाना मिल रहा है क्या, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है, या फिर जो खाना मैं खा रहा हूँ वो एक्चुअली मेरे बॉडी के लिए अच्छा है क्या। सो ये सारा सवाल जब मेरे अंदर आने लगा तो मुझे लगा कि खाने को लेकर थोड़ा सा रिसर्च किया जाए और खाने को लेकर थोड़ा सा डीप जाया जाए। तो जब मैं इसके अंदर गया, जाता गया यूट्यूब पे काफ़ी ब्लॉग्स देखा, डॉक्यूमेंट्रीज देखा, तो मुझे यूट्यूब पे एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, दैट इज़ सेल्फ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अब जो भी कुछ सुबह से लेकर शाम तक, जब से आप सो के उठते हो जब तक आप सोने के लिए जाते हो अपने बेड पे, जो भी सामान आप यूज़ करोगे तो उस पे मिनिमम चीज़ आप बाहर से कंज्यूम करते हो, आपको जो भी सामान चाहिए आप खुद ही अपने आसपास ग्रो करने का कोशिश करते हो, ऐसा कम्युनिटी बनाने का कोशिश करते हो। मैंने कुछ ग्रो किया, मेरे बगल के जो कम्युनिटी मेंबर है उन्होंने कुछ ग्रो किया, या फिर और भी किसी ने कुछ ग्रो किया, और फिर उसके बाद एक एक्सचेंज होता है जहाँ पे आप पैसे को मिनिमाइज़ कर सकते हो, या फिर एक ऐसा लाइफ लीड कर सकते हो जहाँ पे आपके पास सामान कम होगा या फिर चीज़ें कम होंगे, बट लाइफ विल बी अ पीसफुल लाइफ। सो मैंने जब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, अपग्रेड लिविंग, मेन स्ट्रीम से बाहर निकल के अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अपने ज़िंदगी में ऐसा ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने अपने ज़िंदगी का 3 से 4 साल हाईवे के ऊपर, होटल्स पे, ट्रक्स पे, वॉलंटियर करके अलग अलग जगह पे गया हूँ। थोड़ा सा अगर अपने ज़िंदगी का 2 से 3 साल मैं अगर अपना खाना उगाने के लिए दे दूँ तो कैसा लगेगा। मैंने YouTube पे एक कंटेंट क्रिएटर देखा, उनका नाम मेरे को शायद अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने 365 डेज के लिए अपना खुद का खाना ग्रो कर रहे थे। तो मेरे अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट आया कि चलो ऐसा कुछ करते हैं, लेट मी ग्रो लाइक 365 डेज के लिए मेरा खुद का खाना। बोलना जितना आसान है, करने के लिए जब मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा टफ है। सबसे पहले मैं कोशिश किया कि चलो अभी मानसून का टाइम है, अपना बंगाल पे हूँ तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे चावल खाते हैं, तो चावल का जो नेटिव वेराइटीज़ ऑफ राइस है हमारे इंडिया पे, ऐसा मतलब बोलने पे भी मेरे को कैसे, हमारे इंडिया पे मोर देन 1 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस हुआ करता था, और अभी के अगर यूथ से जाके पूछेंगे तो उनको मेनली पता होगा 3 से 4। सो ये जो 40-50 सालों में हमारा नेटिव वेराइटीज़ का सीड था, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, तो फिर ये जो एक्सपीरियंसेस है ये काफ़ी सारे लोगों को मैंने समझाने का कोशिश किया, चलो साथ में करते को क्रिएट करते हैं, बट वो स्पेस और माइंड के साथ लोग मुझे मिला नहीं। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि मैंने इंडिया घूमा, बांग्लादेश घूमा, रिसेंटली कश्मीर जाके आया, तो ये जो एक्सपोजर मेरे अंदर है या फिर मेरे अंदर जो एक्सपीरियंसेस रन हो रहा है शायद ये सामने वाले के अंदर नहीं हो रहा है, सो दैट माइट बी ए रीज़न। तो उसके वजह से मैं थोड़ा सा अभी जो स्टेट पे हूँ, मुझे अपना खुद का खाना ग्रो करना है लोकली अगर हो सकता है तो, कभी मतलब अपने आप को एक जगह पे तो डाल नहीं सकता हूँ, ट्रैवलर माइंड को अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता हूँ। सो सैटरडे संडे कहीं कहीं लोकल जगह पे घूमने के लिए चला जाऊँगा, और ऐसे 7 दिन पे मतलब 5 दिन फार्म पे और 2 दिन ऐसे घूमने का, तो ऐसा कुछ अभी सोच रहा हूँ। और मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, मतलब जो भी कुछ मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, ये सारा चीज़ें आ रहा है, तो ये मतलब जो भी कुछ होगा इसको मैं अपने कैमरे पे ट्रांसपेरेंटली शेयर करने का कोशिश करूँगा। तो व्लॉग लंबा होगा, बट जो भी कुछ करूँगा उसके साथ जो भी मेरा ऑडियंस बनेगा मुझे लगता है कि वो रेजोनेट कर सकते हैं सेम फीलिंग। अगर कोई यूथ घर पे इसके बारे में बात करना चाहे सो देयर विल बी अ मेंटल क्लैश, मुझे 100% पता है, और जब ये मेंटल क्लैश होगा तो बातें नहीं बनेंगे, फिर बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मुझे लगता भी है, क्योंकि मतलब हमारे पेरेंट्स का भी इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा मेंटली उस ब्रांडविच के साथ नहीं सोच रहे हैं। सो मेरे साथ भी ये काफ़ी प्रॉब्लम आया है, बट मैं उसको सॉल्व आउट करके निकल रहा हूँ, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला था मेरे को 8 से 9 महीने के अंदर खुद का एक मिट्टी का घर चाहिए जो मैं अपने हाथों से बनाना चाहता हूँ। सो मतलब काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार मिट्टी के घर मतलब क्यों, सारा कंक्रीट का घर छोड़ के लोग मिट्टी का घर छोड़ के अभी कंक्रीट के घर पे रह रहे हैं, बट द फीलिंग ऑफ मेकिंग द हाउस विथ माय ओन हैंड्स, सो दैट इज़ अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, और वो जो एक्सपीरियंसेस है उसको मैं रखना चाहता हूँ। ट्रैवल कर करके मैंने जितना एक्सपीरियंस गैदर किया है उसको कहीं ना कहीं तो यूज़ करना है, कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस को मतलब
अप्लाई तो करना है ना मेरी जिंदगी पे. सो मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे करके उस एक्सपीरियंस के साथ जीने का और थोड़ा कुछ करने का. जो भी कुछ टफनेस आ रहा है, आज नहीं हुआ, माइंड नहीं मैच कर पा रहा है, लेजी हो रहा हूँ, सारा चीज़ बताऊंगा अपने ब्लॉग पे. और बांग्लादेश और कश्मीर का जो ट्रैवल ब्लॉग्स था उसको मैं कोशिश करूंगा अपना यूट्यूब पे हर एक दिन शाम को, या फिर एक दिन का ब्रेक, दो दिन का ब्रेक, जितना भी हो, मतलब एक शेड्यूल पे शाम के टाइम अपलोड कर देने का. सुबह सुबह जो डेली अपलोड होगा, डेली का ब्लॉग, और उसके बाद शाम पे पहले बांग्लादेश, फिर उसके बाद कश्मीर वाले ब्लॉग्स. जब मैं फार्मिंग करने के लिए उतर रहा हूँ और जब मैं नेटिव सीड्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरे को नेटिव सीड से अपना पूरा खेती करना है, नेचुरली करना है, मेरे को आर्टिफिशियली केमिकल फार्मिंग नहीं करना है, हाइब्रिड सीड्स मुझे नहीं चाहिए, ये प्रोसेस काफ़ी टफ हो रहा है मेरे लिए. क्योंकि मैं अभी जिस जगह पे आया हूँ ये मेरा घर से 80 किलोमीटर दूर है लगभग, और इस जगह पे मेरा आने का रीज़न एक ही था, नेचुरल सीड्स को जुगाड़ करने का. जो नेचुरल राइस सीड्स हैं, मैं वापस से बताना चाहता हूँ, धीरे 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 अपना जो नेचुरल सीड्स है वो ख़त्म हो गया है. और इसके वजह से क्या हुआ है, हमारे जो फार्मर्स हैं इनका सीड इंडिपेंडेंसी भी ख़त्म हो गया है. अगर कोई किसान अभी कुछ भी ग्रो करना चाहता है तो उनके पास उनका सीड अपने हाथों पे नहीं है, उनको सीड कोई कंपनी से ख़रीदना होगा या फिर किसी से जाके जिनके पास सीड है वो दुकान पे जाना होगा. सो काइंड ऑफ लाइक सीड इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो गया है. सो ये एक चेंजेस आया है. अगर मैं बात करना भी चाहता हूँ लोगों के साथ, सो इस पे कुछ लोग एग्री करेंगे या फिर कुछ लोग नहीं भी करेंगे, मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में नहीं जाना है. बट मैं जब नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ मेरे को ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है. सो आज कोशिश करते हैं अभी थोड़ा सा कुछ यहाँ से लेके जाने के लिए. नेचुरल सीड्स मेरे को 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाएगा, और अभी मॉनसून का भी टाइम है, धीरे धीरे करके सीड लगाना भी है, ऐसा कुछ प्रोग्राम है. देखते हैं आगे का क्या करना है, कैसे सीड मैनेज कर रहा हूँ, कैसे कन्विंस करके राइस की खेती कर रहा हूँ, तो ये सारा चीज़ के बारे में ब्लॉग अपलोड करते रहेंगे. कंटिन्यू करता हूँ मेरा ये जो ऑल्टरनेटिव लाइफ, सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, अनहेरिटेड लाइफ, जो कुछ भी है, सारा चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. एक नए ब्लॉग पे अगर किसी को कुछ भी जानना है, कमेंट पे आप पूछ सकते हो, और उसके साथ आप फीडबैक भी दे सकते हो कि मैंने अपना एक्सपीरियंस कैसा शेयर किया हूँ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लॉग. सो लेट मी फिनिश नाउ, अभी आगे का भी काफ़ी काम है, उधर जाना पड़ेगा. ओके सो बाय.